प्रभु, इस समय चंद्रासुर के भवन का कक्ष शोक और विलाप के ध्वनि में डूबा हुआ है, क्योंकि प्रद्युम्न ने उनके अनेक पुत्रों का वध किया है। परंतु इस समय कामिनी अपने कक्ष में पागलों की भांति हंस रही है। क्या आपको इसका व्यवहार उचित नहीं लग रहा? देवी, इस द्वापर युग में कामिनी का अपनों के दुखों के बीच यूं अकेले में अपने कक्ष में खुश होकर हंसना विचित्र अवश्य लग रहा है, परंतु कामिनी का यह विचित्र व्यवहार भविष्य के कलयुग का दर्पण है। कलयुग का दर्पण? हाँ देवी, कलयुग की सबसे बड़ी विडंबना ये होगी कि मनुष्य अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों के बड़े बड़े हितों को भेंट चढ़ाने में संकोच नहीं करेगा। परंतु प्रद्युम्न ने जिनका वध किया है वो तो कामिनी के अपने देवर थे, उसके पति के भाई थे, फिर दूसरों के हित को भेंट चढ़ाने का प्रश्न कहाँ उठता है? देवी, कलयुग में भाई भी भाई का नहीं होगा, और तो और संतान भी अपने माता पिता की नहीं होगी। मनुष्य केवल अपने और अपने बेटों बच्चों के घेरे में सीमित हो जाएगा, बाकी सब उसके लिए पराये हो जाएंगे। अर्थात अपने भी पराये हो जाएंगे? हाँ, और कलयुग का यही दर्पण कामिनी दिखा रही है। इस समय वो इसलिए खुश नहीं हो रही है कि उसके शत्रु का संहार हुआ है, उसे अपने देवरों की मृत्यु की खुशी नहीं है। कामिनी की खुशी का कारण यह है कि उसके कक्ष में उसके 99 यज्ञ कुंडों में अग्नि की लपटें अब भी उठ रही है। जो इस बात का प्रमाण है कि उसका अपना सुहाग कुंभ केतु जीवित है। अपने इस खुशी में वो अपनों के ही दुखों को भूलकर अपने कक्ष में हंस रही है। कामिनी का ये दुर्व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। देवी, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। कलयुग में मनुष्य की विचारधारा इससे भी गिरी हुई होगी। मनुष्य दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढेगा, अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरों की हत्या करने में भी उसे कोई ग्लानी कोई पश्चाताप नहीं होगा। दूसरों के रक्त में सनी हुई रोटी उस स्वयं भी खाएगा और अपनी संतान को भी खिलाएगा। भगवान, कलयुग की मानव का इतना भयानक चित्र मत दिखाइए मुझे। मानवता के इस दुर्भाग्य की मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। कलयुग की कल्पना छोड़ो, द्वापर युग के इस कामिनी को आप स्वयं अपनी आंखों से देख रही हैं। वो अपने स्वार्थ में ये भूल गई है कि स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण उसका पुण्य शून्य होने जा रहा है। इसका ज्ञान इस समय कामिनी को नहीं है, परंतु जब इसका ज्ञान उसे होगा तब समय रेत की भांति उसकी मुट्ठी से निकल चुका होगा। ये सब होने के प्रभाव के कारण होगा।